यूपी के बरेली में एक गरीब की भूख से मौत का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि गरीब के घर में खाने का एक निवाला तक नहीं था, जिसके चलते पिछले 3 दिनों से उसके घर में खाना नहीं बना था। वही मामला चर्चा में आने के बाद प्रशासन हरकत में आया है, जांच में प्रशासन जुट गया है। उधर ये बात भी सामने आ रही है कि मृतक शख्स बीमार भी था। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का सही कारणों का पता लग सकेगा। नीरज आनंद हमारे संवाददाता इस वक्त फोन लाइन से जुड़ गए हैं। नीरज, क्या है ये पूरा मामला? जो ये मृतक है ये कई दिनों से बीमार था, बताया जा रहा है इसको 15 दिन पहले फालिस का जो है अटैक पड़ा था, पैरालिसिस का अटैक पड़ा था, तब से ही घर में था ये। और इसकी जो 90 वर्षीय माँ है, ये दो ही लोग रहते थे, झोपड़ी निमा घर बना हुआ है, बेहद गरीब परिवार है, ये दो ही सदस्य हैं इस परिवार में। हाँ। इसकी मौत हो गई, उसके बाद जैसे ही पता चला कि ये भूख से मौत हुई है, मीडिया के लोग और आला अधिकारी वहां पहुंचे, क्योंकि काफी दिनों से ये बीमार भी चल रहा था, पैरालिसिस के कारण बिस्तर पे भी पड़ा था। तो एक तरफ प्रशासन इसको बीमारी से ही, पर सही कारण जानने के लिए प्रशासन ने इसकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और पोस्टमार्टम भी हो चुका है इसका, पर अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही सही कारण स्पष्ट हो पाएगा कि इसकी मौत का कारण क्या है। फिलहाल इस तरह की मौत होने से प्रशासन के दावों पे भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि उसका कार्ड, राशन कार्ड का जो कार्ड होता है वो बना हुआ है, उसको राशन भी मिला है दिसंबर माह में, जो सरकार के द्वारा दिया जाता है वो भी मिला है, पर उसके घर में अन्न का दाना नहीं मिला है। ये भी एक सवाल खड़ा करता है कि राशन वहां से मिला फिर भी दाना नहीं है अन्न का। जो परिजन है उनका सीधा सीधा आरोप है कि इसके घर में खाना नहीं था, इस कारण इसकी मौत हुई है। वहीं बीमारी की भी बात कर रहे हैं, पर प्रशासन इस पे अभी कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। उसका कहना है कि जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक स्थिति साफ नहीं हो पाएगी कि भूख से मौत है या बीमारी से मौत है। फिलहाल इसका पोस्टमार्टम हो गया है, पर डॉक्टरों की तरफ से पोस्टमार्टम टीम है, करने वाली टीम है, उनकी तरफ से अभी रिपोर्ट बना के नहीं दी गई है। जैसे रिपोर्ट आ जाएगी उसके बाद ये भी साफ हो जाएगा। जी नीरज, किसकी बात मानी जाएगी? क्या रिपोर्ट के आधार पर इसमें कार्रवाई होगी, या फिर जो परिवार के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि खाना हमारे घर में नहीं था, खाना नहीं बना था, कई दिनों से हम खाना नहीं खा पाए थे, उसकी वजह से उसकी मौत हुई है। घर वालों का, परिवार वालों का बयान मायने रखेगा या फिर जो रिपोर्ट आएगी वो मायने रखेगी? सबसे पहली बात यह है कि जो इसको जो सरकार की तरफ से राशन कार्ड राशन मिलता है, वो राशन प्रॉपर इसको मिल रहा था, तो सरकार की जहां तक है वो की राशन नहीं या उस कारण हुआ, तो वो भी एक जांच का विषय कि राशन आखिर मिला था। और प्रशासन के अधिकारी का कहना है कि पिछले महीने जो है दिसंबर में इन्होंने राशन मिला था, जनवरी का राशन अभी तक बटा नहीं है और अभी तक आया नहीं है, तो वो बटेगा तो वो भी मिलेगा और पहले से भी लेते आई है। और इसकी जो 90 वर्ष की माँ है वो साथ में रहती है, वो सही है, पर कहीं ना कहीं जो उसके घर में खाने का नहीं था तो उसको भी एक सवाल लेकर कि कहीं खाने के कारण तो मौत नहीं है, परिजन जो आरोप लगा रहे हैं वो नहीं है। पर प्रशासन अभी किसी भी बात नतीजे में पहुंचने को तैयार नहीं, वगैरह जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक सही नहीं पता चल पाएगा आखिर इसकी मौत का कारण क्या है। जी नीरज, जो परिवार वाले हैं आप बता रहे हैं कि उनकी 90 वर्षीय माँ घर में है, क्या आपकी उनसे बात हुई और उन्होंने क्या कुछ कहा इस बारे में? उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने सबसे पहले कहा कि क्योंकि घर के कमाने वाला सिर्फ एक ही यही सदस्य था और अविवाहित था, इसकी शादी नहीं हुई थी, तो वाली इसके बच्चे भी नहीं थे, कोई नहीं था, माँ और ये दोनों लोग साथ रहते थे। 15 दिन पहले लगभग इसको पैरालिसिस का अटैक पड़ा था, तब से ये बीमार चल रहा था। और बाकी बीमारी के कारण, बीमारी की भी बात परिजन बता रहे हैं। दूसरा ये भी कह रहे हैं कि 3 दिन से घर में खाने को कुछ नहीं था, पर जो और रिश्तेदार आए थे, गांव के लोग थे वहां मौजूद, उनका कहना है कि कभी कोई उसकी खाने को मदद कर देता था, कभी कोई मदद करता था, लोग बीच बीच में उसकी मदद भी करते रहते थे। मामला जैसे मीडिया में आने के बाद प्रशासन के आला अधिकारी वहां पहुंचे, लेखपाल वहां पहुंचे, एसडीएम पहुंचे, एसडीएम ने रात में ही सबका पोस्टमार्टम करा के पंचनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा, वो भी जांच में जुट गए आखिर कारण क्या है, क्योंकि भूख से मौत का बड़ा मामला है, यदि भूख से मौत निकलती है तो बहुत ही बड़ा मामला निकलता है, यह प्रशासन पे और उत्तर प्रदेश सरकार पे सवाल खड़े करता है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज हमारे साथ जुड़ने के लिए। 3 दिनों से खाना नहीं मिला था, उसी वजह से एक शख्स की मौत हुई है, बरेली का ये मामला है। वहीं परिवार वालों का कहना है कि खाना नहीं मिलने की वजह से मौत हुई है, जबकि प्रशासन ये कह रहा है कि व्यक्ति बीमार था, उस वजह से उसकी मौत हुई है। अभी तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आनी बाकी है, रिपोर्ट आने के बाद में पता लग पाएगा कि मौत किस वजह से हुई है, ये प्रशासन का कहना है।